आप देख रहे P20 न्यूज। आपको बता दें कि सहारनपुर किसान मजदूर संगठन ने आज सहारनपुर कमिश्नर कार्यालय पर तीन जनपदों शामली, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर के किसानों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने किसानों का बकाया मूल्य गन्ना भुगतान तथा बिजली मुफ्त और आवारा पशुओं से उनकी फसल की रक्षा की मांग की तथा उनका कहना है कि अम्बेहटा चांद में किसानों पर मेडिकल ट्रीटमेंट वेस्टेज प्लांट में लगे मुकदमे वापस हों और मंडल के सभी CHC में डिलीवरी वार्ड में लेडीज डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध की जाए तथा उन्होंने मांगे पूरी न होने पर आगे भी आंदोलन की चेतावनी दी है। और इस बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने बताया कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो यह धरना लंबा चलेगा। सहारनपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट। न्यूज के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। उसमें हमारे 20-21 आदमियों के नाम है, तो सबसे पहले तो सरकार से यही अनुरोध है कि वो मुकदमा कैंसिल करा जाए, क्योंकि बिल का है, हमारे हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जिसमें इतने लाख रुपए लगाने के बावजूद आज तक कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं आती है, ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। तो जगजीत से निवेदन है कि इस बात को भी संज्ञान में ले, मीटर लगे या नहीं लगे उसकी कोई बात नहीं। ट्रांसफार्मर करवाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को होना पड़ेगा या उन्हें कहना पड़ेगा? सहारनपुर में इतना मजबूत संगठन है, मैं हर सभा में कहूँ जब भी किसी अधिकारी के यहाँ जाओ, मजबूत डंडा और मजबूत झंडा, मजबूत डंडा और मजबूत झंडा लेकर जाओ। आज किस लिए धरना दिया जा रहा है यहाँ पर? धरना तो किसानों की समस्या है, सरकार चाहती है कि लोग धर्म में जाति में बटे रहें, किसानों की कोई बात ना करे। सन 2022 में जब सरकार चुनाव लड़ी तो सबसे पहला मुद्दा सरकार का ये था कि हमारी अगर सरकार आई बिजली फ्री देंगे। आज तक किसानों की बिजली फ्री नहीं हुई। फिर मुख्यमंत्री जी ने अब कहा फरवरी में के पहली अप्रैल से बिजली फ्री होगी, पहली अप्रैल से बिजली फ्री नहीं हुई। हालात ये हैं कि 5,000-5,000 रुपए पे कनेक्शन काटे जा रहे, मीटर से बिल लिया जा रहा, 10-10, 15-15 हजार रुपए महीना मीटर का बिल आ रहा। अरे भाई, आप गन्ना भुगतान नहीं करवाओगे, अपने वादे को पूरा नहीं करोगे, रोजगार आप दोगे नहीं, तो देश कब तक ये हिंदू से चलेगा? इसलिए किसानों का मुद्दा है कि 31 मार्च तक टोटल का टोटल गोवंश सरकार ने कहा सुरक्षित कर दिया जाएगा। आज तक किसानों की फसल को निकलने से पहले बर्बाद कर रहे, आज तक सरकार ने एक पशु नहीं पकड़ा। ऊपर से इनके जो गांव के अधिकारी हैं वो ये कहें कि अलग एक भी छुट्टा पशु नहीं है। हमारी समझ में तो ये भी राग नहीं आएगा, उनके अंकों पर चश्मा हरा है, काला है, पेड़ा है, उन्हें पशु नहीं दिख रहे, ना किसान की बर्बादी दिख रही, ना उन्हें बेरोजगार दिख रहा। इसलिए ये इन परेशानियों को लेकर धरना है। और ये कमिश्नर साहब 3 जिलों के, अगर नहीं मांगे पूरी हुई तो ये लौटेंगे, और जब तक लौटेंगे जब लोग मानने नहीं तो संक्रांत तक यही रहेंगे, संक्रांत में मान गए तो ठीक है, नहीं फिर लौटेंगे। थैंक यू।